हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 जुलाई 2022 की जो भी अपडेटेड न्यूज़ है आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग जो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, जहाँ पर जाकर आप लोग अपडेटेड न्यूज़ पा सकते हैं। चलिए आज की जो भी अपडेट है आप लोग बताते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों का रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ बैचलर पार्ट 2 एग्जामिनेशन। आप लोगों का यहाँ पर बैचलर पार्ट 2 का एग्जामिनेशन का ऑनर्स का एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 अगस्त से आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। 2 सिटिंग में आप लोग का एग्जामिनेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड सिटिंग में। और यहाँ पर ABCD इस तरह से ग्रुप में दिया गया है। आप लोग को जिस ग्रुप में आप लोगों का ऑनर्स है, उस ग्रुप का यहाँ पर शेड्यूल नीचे देख लीजिएगा, तब पता चल जाएगा किस डेट को है। आप लोग इसका जो इमेज है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के अगले न्यूज पे। अगला जो न्यूज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगला जो न्यूज है, रिवाइज प्रोग्राम ऑफ PGDJMC एग्जामिनेशन। जो PGDJMC का एग्जामिनेशन होने वाला था सेशन 2021-22 का, उसका रिवाइज जो डेट है जारी कर दिया गया है, जो 8 अगस्त से लेकर आप लोग को 29 अगस्त तक चलने वाली है। टोटल 8 पेपर इसमें होगी। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर स्नातक पार्ट 2 के ऑनर्स की परीक्षा 3 और सब्सिडी की 22 से होगी, यानी कि स्नातक पार्ट 2 के जो परीक्षा का भी आप लोग हमने शेड्यूल दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का ऑनर्स की पेपर की बात करें तो ऑनर्स की जो पेपर है उसको 3 अगस्त, स्नातक पार्ट 2 के ऑनर्स की पेपर 3 अगस्त से पड़ेगी, और जो सब्सिडी विषय की पेपर है उससे 22 अगस्त से इसकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर UG PG में नामांकन के लिए कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें आप लोगों को नामांकन जल्द से लेने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आप लोगों का प्रोटेस्ट होने के कारण आप लोगों को नामांकन में देरी हो रही है। आगे यहां पर बात कर लेते हैं, जैसा कि दिया गया है कि बीएड एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर बीएड का एग्जामिनेशन सेशन 2020-22 के लिए यहाँ पर 2 अगस्त 2022 का डेट दिया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 11 बजे से आप लोग का एग्जामिनेशन है। आप लोगों का यहाँ पर 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया रिवाइज प्रोग्राम ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ऑनर्स OMSP का एग्जामिनेशन, साथ में इंडस्ट्रियल फीस एंड फिशरीज का एग्जामिनेशन सेमेस्टर 2 का सेशन 2020-23 का एग्जामिनेशन। आप लोगों का यहाँ पर डेट जारी किया गया 16 अगस्त से आप लोगों का OMSP और IFF का एग्जामिनेशन यहाँ पर 16 अगस्त से स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर उसके बाद दिया गया BCA सेमेस्टर वन सेशन 2021-24 सेशन 2021-24 और सेमेस्टर 2 सेशन 2020-23 एग्जामिनेशन आप लोगों को 8 अगस्त से शुरू हो जाएगी। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर MCA सेमेस्टर 1 का सेशन 2022-24 में नामांकन के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक सूचना जारी किया गया। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक शिक्षक कर्मचारियों को हड़ताल के कारण स्थगित किया गया है, यानी कि जो MCA सेमेस्टर 1 में नामांकन के लिए ऑनलाइन जो आप लोगों का प्रवेश परीक्षा होनी थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर TMBU में जल्द जारी होगा स्थगित परीक्षाओं की संशोधित तिथि। जैसा कि आप लोग यहाँ जानते हैं कि बैठक होने के बाद आप लोगों को जल्द से जल्द जारी किया जाएगा आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल, साथ में एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट है आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन शेड्यूल जो जारी किया गया, आप लोग देख सकते हैं 22 अगस्त से है और 1 सितंबर तक चलेगी और सब्सिडरी विषयों का पेपर पार्ट 2 का। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया ऑफलाइन क्लास के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। यहाँ पर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd 2022 के लिए शेड्यूल जारी किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा जिनको भी इंटीग्रेटेड BEd करना है। तो चलिए आज की जो भी अपडेट थी हमने बता दिया, साथ ही वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भी कोई अपडेट पाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।